मुस्लिम पक्षकार हाजी मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई मांग को लेकर स्वामी परमहंसदास ने अब न्यायालय की शरण ले ली है। वहीं पीठाधीश्वर स्वामी परमहंसदास ने मुस्लिम पक्षकार हाजी मोहम्मद के खिलाफ 156/3 के तहत राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर जेएम धृति न्यायालय में याचिका दायर की है। वहीं अधिवक्ता संतोष कुमार ने कहा है कि न्यायालय में इस मामले में ज्ञातव्य हो कि हाजी मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर परमहंसदास अनशन पर बैठे थे। इसमें तमाम राष्ट्र विरोधी बयान जो है बाबरी पक्षकार हाजी महबूब देते हुए सुने गए। जब हमने देखा, उन्होंने कहा कि निहत्थे राम भक्तों के ऊपर हाजी महबूब ने 6 दिसंबर 1992 को जो है बम फेंकवाया था, और उन्होंने कहा कि यहाँ का अयोध्या और फैजाबाद का प्रशासन हाजी महबूब कहे कि उनसे डरता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि यदि फैसला कहीं राम मंदिर के पक्ष में गया तो बोले कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसला को नहीं मानेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि यदि जो है तो फिर भी अगर बनाने का प्रयास करेंगे तो उन्होंने कहा कि मैं अपने जीते जी वहाँ एक ईंट नहीं रखने दूंगा। बोले फिर भी अगर प्रशासन बनवाएगी तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश में दंगा करवा दूंगा। तो इस तरह से राष्ट्र विरोधी बयान जब मैंने देखा तो 3 अक्टूबर को हम तहरीर देने गए, और अभी तक जब कार्रवाई नहीं हुई तो आज मैंने कोर्ट की शरण लिया है और आज जो है हमने वहां दाखिल कर दिया है। 14 को मुझे डेट भी मिल गई है और निश्चित रूप से हमें कोर्ट से न्याय मिलेगा, क्योंकि हाजी महबूब जो है वो कहते हैं कि मेरा संपर्क जो है तो तमाम मुस्लिम कंट्रियों से है, पाकिस्तान से है, सऊदीया से है और इस्लामिक राष्ट्रों से है, आतंकवादियों से है। तो हाजी महबूब कह रहे हैं कि मैं जो है पूरे देश में बम फेंकवा दूंगा। तो जब मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि जिसको देश की सर्वोच्च अदालत के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, जो देश के सुप्रीम कोर्ट को ललकार रहा है, जो देश में दंगा कराने की बात कह रहा है और जो निहत्थे राम भक्तों पर बम फेंकवाने की बात कह रहा है, जो ये बात कह रहा है कि हमके शासन प्रशासन मुझसे डर रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है FIR पंजीकृत होना चाहिए। जब तक उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा, मैं न्यायालय की शरण में आया हूं, निश्चित रूप से मुझे न्याय मिलेगा। और हाजी महबूब द्वारा 6 दिसंबर 1992 की घटना के बारे में कार सेवकों पर बम फेंकने की बात स्वीकारी है, जिससे आहत होकर बाबा जी ने जो है SSP को दरखास्त दिया, उसके बाद अनशन पर भी बैठे, उसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने न्यायालय की शरण लिया और न्यायालय में आज जो है 156/3 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके उस पर 14/10 की डेट उस पर कोर्ट ने नियत की है। कोर्ट पे अब रिपोर्ट आने के बाद भी आगे कार्रवाई की जाएगी। जेएम सेकंड के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। बाद संतोष कुमार वर्मा।